जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मैंने कहा तो पहली फायर हम पर की गई और सिक्योरिटी वालों के साथ मैं गुजर रहा था, पहली फायर सिक्योरिटी वाले पर हुई, दूसरी फायर हम जो सिक्योरिटी वाले जी भागो यार ये तो दहशतगर्द है। फिर बस मुझे पता नहीं मम तो बस क्या बताऊँ यार, नहीं मैंने कुछ नहीं देखा है मगर हम चुप गए थे। क्या दहशतगर्द है क्या, चार पाँच उसकी कदमों की आवाज़ें भी मैंने सुन ली, वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज़ें जो गूंज रहे थे वो भी मैंने सुन ली, पर मेज के नीचे बैठ कर चुप गए थे मैं और मेरा दो साथी। फायरिंग फायरिंग की आवाज़ें पिछली साइड से फायरिंग की आवाज़ आई है बस उधर से, उधर से हमने कहा पता नहीं किसकी झगड़ा हुआ या क्या हुआ है, आगे से फिर फायरिंग ज़्यादा होने लगी, फायर बस ज़्यादा होने लगी, फिर सारे लड़कों को हमने कमरों में वो किया बस बाहर बाहर नहीं लो बाहर से सारे लड़के हो। फिर हमारी यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी वालों ने भी बड़ा तगड़ा वो किया है, पाकिस्तान आर्मी ने भी बड़ा तगड़ा वो किया। हमारे सामने बहुत से लोग ऐसे भी थे कि गिर पड़े, उसके हालात भी ख़राब हुए, और बाज़ लोग उसे मैंने ये भी देखा है ये भी सुना है कि बाज़ बच्चे जो होते थे या बाज़ सिक्योरिटी वाले होते थे वो शदीद ज़ख्मी भी हुए, उसकी खून भी आई थी उसके जिस्म पर भी और शदीद तकलीफ भी हुआ, और बाज़ फीमेल जो होते थे उसकी दिल भी ख़राब हुआ था। अभी तक 19 शहदा को जो है वो निकाला गया और उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, इसी तरह जो है वो 20 जो है वो ज़ख्मी अभी तक रेस्क्यू 1122 ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के साथ साथ DHQ हॉस्पिटल और पिशावर के हॉस्पिटल लेडी रेडिंग हॉस्पिटल मुंतकिल किया है।